नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ मेडिकल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे समन के बारे में। ठीक है, हम लोग FMT पढ़ रहे हैं, हम लोग इसमें देखेंगे कि समन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग आज क्या देखेंगे, समन। हम लोग लीगल प्रोसीजर पढ़ रहे हैं। ठीक है, समन समन क्या होता है? अगर समन को कॉमन भाषा में बोला जाए तो कोर्ट से अगर किसी को बुलावा आता है तो उसको हम लोग समन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कोर्ट कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ द विटनेस एट पार्टिकुलर डेट एंड टाइम फॉर गिविंग एविडेंस। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप एक डॉक्टर के रूप में वर्क कर रहे हैं फील्ड में, और आप किसी पेशेंट का एक मेडिकल सर्टिफिकेट इशू किए कि ये जो पर्सन है अनफिट है 12 तारीख को, और उस पर्सन पे केस हो गया कि 12 तारीख को उसने एक मर्डर किया था, और वो बोला कि हम तो वहाँ पे थे ही नहीं, उसके लिए क्या करेगा अपना आपका मेडिकल सर्टिफिकेट को जमा करेगा। तो कोर्ट इस बात को टेस्टिफाई करने के लिए कि वो पर्सन सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है आपको बुला सकता है टेस्टिफाई करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समन बोलते हैं। जब कोर्ट एक रिटर्न डॉक्यूमेंट भेजता है किसी पर्सन को एविडेंस प्रोवाइड कराने के लिए डेट के साथ, उसमें डेट रहेगा कि आपको इतने तारीख को इतना आना है, केस नंबर लिखा रहेगा। ठीक है, और जो भी आपके पास समन लेके जाएगा उसका कॉन्स्टेबल नंबर लिखा रहेगा। ठीक है, तो जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट कोर्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है किसी पर्सन को एविडेंस प्रोवाइड कराने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समन बोलते हैं। तो समन दो तरह के होते हैं, समन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक तो होता है एड टेस्टिफी कैंडम, एड टेस्टिफिकेंडम, ग्रीक वर्ड एक्चुअली यही, एड टेस्टिफिकेंडम का मतलब होता है कि आपको टेस्टिफाई करने के लिए केवल बुलाया गया। ठीक है, वहाँ पे आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करता, आपको केवल टेस्टिफाई किया जाता है कि आप जो भी देखे हैं, या अगर आपके खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है तो आप केवल उसको बता सकते हैं कि दैट इज ट्रू और दैट इज फॉल्स। ठीक है, आप ऑरल जब प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है डूकस टेक्टम, दूसरा क्या होता है डूकस टेक्टम, इसमें क्या होता है, प्रोवाइड एविडेंस एज रजिस्टर डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आपको रजिस्टर या डॉक्यूमेंट्स के रूप में जो आपको एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी कि आपके पास कोई पेपर है जो कि एविडेंस के रूप में काम आ सकता है, और अगर आप उसको सबमिट करने के लिए आपको बुलाया जाए तो उसको डूकस टेक्टम बोला जाता है। ठीक है, अगर कोई पर्सन इनेबल है, नहीं जा सकता है किसी कारण से, तो उसको कोर्ट को बताना पड़ता है कि हम जो आप जो समन हमको प्रोवाइड कराए हैं, आई एम अनेबल टू अटेंड अ कोर्ट। ठीक है, तो अगर कोई अनेबल टू अटेंड है तो क्या करना होगा, अनेबल टू अटेंड वाले केस में क्या करना होगा, आपको इन्फॉर्म द कोर्ट, आपको कोर्ट को इन्फॉर्म कर देना हो जाएगा कि हम 4 तारीख को नहीं आ सकते। अगर आप कोर्ट को इन्फॉर्म नहीं किए और आप कोर्ट पहुंचे भी नहीं, आप समन का जवाब नहीं दिए और आप नहीं पहुंचे, तो उसको विलफुल डिसओबीडियंस बोला जाता है। तो आप क्या किए, जानबूझ के कोर्ट का अवमानना, कि उसको कोर्ट का अवमानना बोला जाता है हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, पनिशेबल होता है। ठीक है, विलफुल पनिशेबल। कहता पनिशेबल ऑफेंस होता है। ठीक है, अगर सिविल केस है तो आपको वारंट, आपके खिलाफ वारंट आ सकता है या आपके खिलाफ फाइन हो सकता है। ठीक है, पनिशेबल ऑफेंस है।
सिविल अगर केस है तो क्या होगा, आपको वारंट आ जाएगा आपके खिलाफ, या फिर आपको फाइन लग जाएगा। और अगर क्रिमिनल केस है तो आपके खिलाफ फाइन और इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है, आपको जेल भी हो सकता है, ठीक है। और मान लीजिए, ठीक है, अब मान लीजिए कि अब आपको एक साथ दो चार जगह से समन आ गया, आपको क्या आ गया, दो चार जगह समन। मान लीजिए आपको एक ही दिन हाई कोर्ट से भी समन आ गया, 4 तारीख को आपको हाई कोर्ट से भी समन आ गया, और 4 तारीख को आपको सुप्रीम कोर्ट से भी समन आ गया, तो आप वहाँ क्या करेंगे? तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कोर्ट कौन सा है। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि कोर्ट कौन सा है। हायर कोर्ट को पहला प्रायोरिटी दिया जाता है, ठीक है, पहले हायर कोर्ट तब लोअर कोर्ट, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से आ गया और हाई कोर्ट से आ गया, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पहले जाएंगे और हाई कोर्ट को बता देंगे कि हम आपका समन का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि हमको इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होना, ठीक है। अब मान लीजिए एक ही कोर्ट से आया लेकिन दो केसेस के लिए आया, एक सिविल केस है दूसरा क्रिमिनल केस है, तो पहले प्रायोरिटी क्रिमिनल केस को दिया जाता है, दूसरा सिविल, ठीक है। यानी कि सिविल केस से ज़्यादा प्रायोरिटी क्रिमिनल केस को देना, ठीक है। और अगर इक्वल स्टेटस का कोर्ट आ गया, मान लीजिए दो हाई कोर्ट से आ गया, एक दिल्ली हाई कोर्ट से आ गया और एक पटना हाई कोर्ट से आ गया, तो वहाँ क्या करेंगे, दोनों का स्टेटस तो सेम है और दोनों सिविल केस ही है मान लीजिए, तो हम वहाँ क्या करेंगे कि वहाँ पे जिस भी कोर्ट से पहले मेरे पास समन आया, 4 तारीख को अटेंड करना था लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट हमको 26 तारीख को ही समन भेज दिया था और पटना हाई कोर्ट 28 तारीख को समन भेजा, तो 26 तारीख वाले समन में हम जाएंगे। यानी कि अगर सेम कोर्ट से आया तो जो कोर्ट से पहले आया यानी कि डेट जिसका पहले है समन का, वहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर इक्वल स्टेटस हो गया तो हम क्या करेंगे, अटेंड द फर्स्ट वन रिसीव्ड, ठीक है। यानी कि जो हमको सबसे पहले समन मिलेगा उसको हम लोग अटेंड करते हैं। अब आता है कि समन आ गया, मान लीजिए आपको, आप बिहार के डॉक्टर हैं, आपको राजस्थान से समन आ गया, तो आप कैसे जाएंगे, आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, तो जो पैसा खर्च होता है उसको हम लोग कंडक्ट मनी बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कंडक्ट मनी क्या, तो हम लोग क्या देख रहे थे, कंडक्ट मनी। कंडक्ट मनी क्या होता है कि जो मनी विटनेस को पे किया जाता है, ठीक है, उसका आने का जो एक्सपेंसेस होगा, आने के लिए हमको वाहन चाहिए, यानी हम या तो रेलवे से आएंगे या प्लेन से आएंगे, फिर आएंगे तो खाएंगे, फिर जहाँ रहेंगे, तो हमारा जो टोटल एक्सपेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्ट मनी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि मनी पेड टू द विटनेस टुवर्ड्स द एक्सपेंस इन अटेंडिंग द, यानी कि कोर्ट तक आने का पूरा खर्चा और फिर कोर्ट से घर जाने का पूरा खर्चा जो पे किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्ट मनी बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कंडक्ट मनी कैसे मिलता है। चार्ट बना लेते हैं इसके लिए हम लोग, तो पहला क्या है, कोर्ट। तो मान लीजिए हमारा क्या था, सिविल केस था, हमारा केस का क्या टाइप था, सिविल केस था, तो हमें कंडक्ट मनी कब मिलेगा, कंडक्ट मनी कौन देगा और कंडक्ट मनी फिक्स कौन करेगा कि कितना कंडक्ट मनी मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर सिविल केस है तो कंडक्ट मनी क्या मिलता है, जैसे आपको समन मिलेगा उसी के साथ आपको आपका कंडक्ट मनी भी मिल जाएगा, यानी जो भी एक एवरेज भाड़ा होगा, रहने का खर्च जो भी होगा, ठीक है। वाइल सर्विंग समन, समन के साथ ही आपको कंडक्ट मनी मिल जाएगा। सिविल केसेस में कौन देगा, जो भी पार्टी आपको विटनेस के रूप में मंगा रहा है वह आपका कंडक्ट मनी देगा। इसको फिक्स कौन करता है,
कोड, कोड बताएगा कि आपको आपका कंडक्ट मनी कितना मिलना चाहिए, ठीक है। और मान लीजिए क्रिमिनल है, क्रिमिनल केस है, तो उसमें कब होता है कि जब आप एविडेंस प्रोवाइड करा देंगे उसके बाद आपको आपका कंडक्ट मनी मिलेगा, यानी कि आपको अपने एक्सपेंस पर ही जाना होगा, ठीक है। एक्सपेंस के बाद आपको बिल जमा करना होगा और बिल जमा करने के बाद आपको आपका कंडक्ट मनी मिल जाएगा, ठीक है। आफ्टर प्रोवाइडिंग एविडेंस कौन देगा भाई? तो जैसा हम लोग को पता है कि जब भी कोई क्रिमिनल केस होता है तो उसमें एक पार्टी गवर्नमेंट रहता है, ठीक है, और दूसरी पार्टी एक्यूज्ड पर्सन रहता है, ठीक है। तो इसका कौन देता है? गवर्नमेंट देगा या फिर कोर्ट देता है, ठीक है। गवर्नमेंट और कोर्ट देगा, और इसको फिक्स भी कौन करता है? कोर्ट के द्वारा फिक्स किया जाता है, लेकिन इसके बारे में बात हुआ है 312 CRPC में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के 312 सेक्शन में, 312वें सेक्शन में इसका बात किया गया कि क्रिमिनल केसेस में आप कंडक्ट मनी कैसे देंगे, ठीक है। यानी कि अगर इसका समरी बोला जाए तो समरी क्या है कि सिविल केस में किसके द्वारा पेड किया जाता है? पेड बाय पार्टी, जो भी पार्टी आपको बुलाया, फिक्स बाय कोर्ट, ठीक है। सिविल केसेस में जो भी पार्टी आपको विटनेस के रूप में बुला रहा है उसको कंडक्ट मनी देना होगा, और इसका फिक्स कौन करेगा? कोर्ट, ठीक है। और क्रिमिनल केसेस में ये क्या होता है? पेड बाय गवर्नमेंट / कोर्ट, ठीक है, गवर्नमेंट या कोर्ट देगा, और फिक्स कौन करता है इसको? फिक्स बाय कोर्ट ही इसको भी फिक्स करता है कि आपको कितना पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू, आज के इस वीडियो में इतना है, फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक्स की चर्चा करें। थैंक यू।